एयर फ्राइड और शैलो फ्राइड मटर कचौड़ी, साथ में हरी चटनी और सौंठ की चटनी। तो चलिए बताएं कैसे बनाया। प्लीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे मटर कचौड़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप मटर जो है वो बॉईल करके छान के रख लिए हैं। इसके अंदर जो मसाले डालेंगे वो है जीरा एक चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, ये घर का गरम मसाला है, बहुत हॉट है तो इसीलिए खाली आधा चम्मच डलेगा। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया है जो एक चम्मच डालूँगी, सॉरी ये टर्मरिक है जो कि आधा चम्मच, एक चौथाई चम्मच डलेगी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, उसके अलावा दो हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, अदरक और लहसुन कूट के रख दिया है एक एक टेबल स्पून, एक बड़ा प्याज था जो कि बारीक मैंने काट कर रख दिया है। ये सब तो हो गया मटर के लिए। और कचौड़ी के लिए यहाँ पे मैंने खाली मैदे में नहीं बना रही, मैं यहाँ पे मेरे पास तीन चौथाई कप मैदा है, तीन चौथाई कप आटा है होल व्हीट फ्लार, एक चौथाई कप सूजी है, इसके ऊपर मैंने एक चम्मच अजवाइन डाल दी है और नमक डाल दिया है थोड़ा सा, इनफैक्ट अभी डाला नहीं है, ये डाल रही हूँ, देखिए थोड़ा सा ही डलता है, तो ये एक चौथाई चम्मच जितना डाल दिया। इसके अंदर डलेगा दो टेबलस्पून ऑयल और फिर मैं इसको माड़ दूँगी आटे को। तो पहले हम मटर कचौड़ी के लिए जो फिलिंग है स्टफिंग उसका उसको हम पकाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा पका के फिर करना पड़ेगा, कच्चे में नहीं बनेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। मैंने यहाँ गैस पर पैन रख दिया है और देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून ऑयल भी हीट करना रख दिया था जो कि हो गया ही हीट। तो अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी जीरा एक चम्मच, इनफैक्ट इसमें जीरे के साथ साथ जीरा पाउडर भी डलेगा क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है पिसे हुए जीरे का, तो थोड़ा सा वो भी डालूंगी मैं। जीरा तड़क गया और अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन। इसको रॉ स्मेल जाने तक पकाएंगे, 6 सेकंड भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च यूँ तो पहले डालना ही टेस्टी लगता है, अच्छा अपना पूरा फ्लेवर छोड़ देती है, लेकिन फिर छीके बहुत आती हैं तो जहाँ पे ज़्यादा देर तक पकाना पड़े वहाँ पे हम बाद में ही डालना प्रेफर करते हैं। देखिए ये ट्रांसलूसेंट हो गए, अब मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूंगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा इसे। सेक कम करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी के मसाले, एक चौथाई चम्मच हल्दी जैसा कि मैंने बताया था, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा डलेगा क्योंकि हम लोग उसमें कवर में यानी कि आटे में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे एक दो चीज़ें और, वो है अमचूर
आधा चम्मच, थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, हींग का भी टेस्ट अच्छा आता है, एक चौथाई चम्मच, और लास्ट में गरम मसाला, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ आधा चम्मच मसाले वाला। मिक्स करके इस पे मैं हल्का सा पानी का छिड़काव दूंगी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए मटर डालने के बाद। पहले बटर डाल देती हूँ और इसको बिल्कुल अच्छे से सुखाना होगा। ये देखिए मटर छानने में जो जरा सा पानी निकला था, एक दो बूंद वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने सेक कर दिया है कम, और कम सेक पर ढककर मटर को इन मसालों में पकने देंगे दो तीन मिनट। दो से ढाई मिनट हो गए, मैंने बीच में एक बार इसे चला दिया था, आप दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए ये पानी बिल्कुल नहीं रहा, अभी हो गया है बिल्कुल एकदम सूख गया है अच्छे से। तो अब मैं इसको ठंडा करना रख देती हूँ और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं आटा मार लूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन मैदा आटा और सूजी का, और साथ में एक चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक दो पिंच जितना, और दो चम्मच दो टेबलस्पून ऑयल, ये डाल के और फिर बाकी का पानी डाल के इसको पकाएंगे। तो यहाँ मैं गैस बंद कर रही हूँ और आटा मार रही हूँ जब तक ये ठंडा होता है, फिर हम कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया और ये मसाला भी ठंडा हो गया और अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं कचौड़ियों को। अच्छा, अब जो डिफरेंस रहेगा वो ये कि हम कचौड़ियाँ बनाएंगे एयर फ्रायर में और थोड़ी सी बनाएंगे शैलो फ्राइड, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे इनको। तो चलिए इनको बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आटे की लोइयाँ बना रही हूँ। देखिए चार पांच लोइयां बना ली है मैंने। और इसको बेल लूंगी मैं। बहुत ज्यादा नहीं बेलना है, मोटा मोटा ही करना है। आप चाहें तो बेलना यूज कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, बेलना ही यूज कर लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल लगा के। देखिए और इसमें मैं भर लूंगी फिलिंग।
इसको, फिर से चाहे तो हल्का सा बेल सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी दबा सकते हैं। तो लीजिए इस तरीके से मैं बाकी सारी कर लेती हूँ और फिर बनाते हैं। लीजिए जब तक एयर फ्रायर प्री हीट हुआ, यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया और दोनों के लिए कचौड़ियाँ भी बन गई, मैंने एयर फ्रायर में डाल दी हैं और इसमें शैलो फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। थोड़ा सा कम सेक पर ही करूँगी इसे ताकि अच्छे से पक जाए। एक्चुअली एयर फ्रायर में भी चार से ज़्यादा नहीं आई, मुझे लग रहा था पाँच छः आ जाएंगी, इसमें भी पाँच ही आएंगी। ये लीजिए ये डल गया, तो अब इसको बनने का इंतजार करते हैं। थोड़ा नीचे से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको पलट देंगे। लीजिए ये ब्राउन होने लगी नीचे से, तो अब इसको पलट देते हैं। अभी एक और भी बार पलटना पड़ेगा, मैंने सेक भी थोड़ा सा तेज कर दिया है मीडियम हाई पे, और वहाँ एयर फ्रायर में भी मैंने 12 मिनट के लिए रखा है, पर मैं बीच में चेक करूँगी ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही पक जाए या रेड हो जाए। लीजिए हमारी एयर फ्राइड और शैलो फ्राइड दोनों बनकर तैयार है कचौड़ियाँ। ये शैलो फ्राइड है और ये एयर फ्राइड है, और दोनों के टेस्ट में कोई अंतर आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा ये है कि ऑब्वियसली तेल वाला ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से खस्ता होता है, और एयर फ्रायर वाला थोड़ा कड़क होता है, तो बस यही फ़र्क है। बट टेस्ट दोनों का ही बहुत ही अच्छा है, तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।